दोस्तों सड़कों पर चलते समय उनके बीच में बनी पीली और सफेद लाइनें जरूर देखी होंगी। कुछ लोगों ने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश भी की होगी, तो कुछ लोगों ने शायद सोचा होगा कि ये लाइनें सड़कों को डेकोरेट करने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन असल में इसके पीछे की वजह कुछ और ही है। आज हम आपको बताते हैं कि सड़क पर ये लाइनें क्यों बनाई जाती हैं, आखिर क्या होता है इसका मतलब। दोस्तों इसे जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों आइए जानते हैं कि सड़क पर ये लाइनें क्यों बनाई जाती हैं, आखिर क्या होता है इसका मतलब। जब सड़क पर दो पीली लाइनें हों, दोस्तों सड़क पर दो पीली लाइनों का मतलब होता है कि आप अपनी लेन में गाड़ी चलाएं और ओवरटेक ना करें। जब टूटी हुई पीली लाइन हो, सड़कों पर बनी टूटी हुई पीली लाइन का मतलब होता है कि आप लोगों को आसानी से ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन अपनी और अपने सामने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप ओवरटेक कर सकते हैं। जब एक पीली लाइन हो, सड़क के बीचों बीच बनी एक पीली लाइन का मतलब यह होता है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन एक लेन से दूसरी लेन पर नहीं जा सकते। हालांकि भारत के हर राज्य में पीली लाइन का मतलब अलग होता है, जैसे तेलंगाना में कोई भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकता। जब एक सफ़ेद लाइन हो, सड़क पर बनी एक सफ़ेद लाइन का मतलब होता है कि जिस लेन में आप गाड़ी चला रहे हैं आपको उसी लेन में चलाना होगा, यानी आप अपनी लेन बदलकर दूसरी तरफ नहीं जा सकते। जब टूटी हुई सफ़ेद लाइन हो, सड़क पर बनी टूटी लाइन का मतलब होता है कि आप अपनी लेन बदल सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी के साथ,